नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल का नया एक वीडियो में आप लोग को स्वागतम है। और आज मैं आप लोग को दिखाने के लिए जाएगा ये हिल्स एरिया में कैसे, पथरी इलाका में कैसे ये वेल ड्रिलिंग करता है, वो भी मशीन का जरिया कैसे करता है, रिग ड्रिलिंग कर रहा है। इधर वीडियो अंत तक देखते रहिए, आप लोग को पूरा बात समझ में आएगा और कितना तकलीफ होता है ये हिल्स एरिया में ड्रिलिंग करने का। और आप लोग अभी देखने के लिए मिल रहा है, देखिए ये रिग का जरिया ये ड्रिलिंग कर रहा है। और ये जो पाइप घुसा रहा है, ये पाइप पूरा लोहा का पाइप है और पाइप का अंदर से होल है जिसका जरिए से उन लोग एयर पास करेगा। एयर पास करके ये हिल्स एरिया में उन लोग ड्रिलिंग करेगा। और ये जैसे कि बहुत हार्ड एरिया है, पत्थरी का इलाका है, सो इसमें ड्रिलिंग करने का बहुत टाइम लगता है और ये बहुत कॉस्टली होता है। क्योंकि इसका ड्रिलिंग प्रोसेस में ज़्यादा खर्चा रहता है। देखिए पूरा काम मशीन का थ्रू कर रहा है, सो इसमें खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है। अभी देखिए एक एक पाइप ऐसा उसमें रिग का जरिया में इसको ड्रिलिंग कर रहा है। और दूसरा बात क्या है, इसमें ये पाथरी इलाका है, इसमें कम से कम 2000 फुट जैसा खुदाई करना पड़ता है, उसके बाद ही इधर पानी मिलता है। और पानी ऊपर में नहीं मिलता है, जैसे कि 1500-2000 फीट खुदाई कैसे भी करना पड़ता है। और उसके लिए देखिए दो गाड़ी आ रहा है, एक गाड़ी में ये रिग फिटिंग है और दूसरा जो गाड़ी है इसमें एक डीजी सेट फिटिंग है, जनरेटर सप्लाई के लिए फिटिंग किया है ये जनरेटर से भी। और उसके लिए कंप्रेसर का यूज़ किया जाता है, कंप्रेसर से एयर पास करके इसको ड्रिलिंग किया जाता है। तो देखिए ये गाड़ी का माध्यम से इतना आसानी तरीका से कर रहा है। और गाड़ी में देखिए एक ही आदमी से पूरा ये ऑपरेटिंग कर रहा है पूरा सिस्टम। और ये हाइड्रोलिक सिस्टम से पूरा पाइप ये उठा के लेके आ रहा है, फिर जो रिग है रिग में अपने आप जोड़ रहा है। ये पूरा काम देखिए, इधर एक ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर पूरा काम कर रहा है और एक हेल्पर भी है। और ज़्यादा आदमी का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि ज़्यादा ही काम इसमें मशीन का थ्रू कर रहा है। देखिए ये हाइड्रोलिक सिस्टम से पाइप गाड़ी से ले रहा है, लोहा का पाइप, और फिर वही मशीन से पाइप लेके जाके वो जो रिग है रिग में फिटिंग कर रहा है। और उसमें जाके सॉकेट सिस्टम है और सॉकेट सिस्टम का थ्रू उन लोग एक पाइप दूसरा पाइप से जोड़ के अंदर तक घुसा रहा है। और ये जो बोरिंग कर रहा है इसमें क्या हो रहा है, ये बोरिंग पहले से था और वो कम से कम 1000 फीट तक बोरिंग था, तो उसमें पानी नहीं निकल रहा है। तो उसको 2000 फीट तक ड्रिलिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही इधर पानी निकलेगा। इसलिए उन लोग पहले 1000 फीट तक उन लोग पाइप अपने आप घुसा रहा है, उसमें कोई ड्रिलिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। तो जब 1000 फीट पार हो जाएगा उसके बाद ही उन लोग ड्रिलिंग चालू करेगा। और ये जो एरिया है ये हैदराबाद का एक एरिया है, इसमें मिट्टी का कम से कम 2000 फीट 3000 फीट तक पूरा पत्थरी इलाका है, तो इसलिए इधर खुदाई करना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो पाइप देखिए अभी ये ड्रिलिंग जाके जितना तक खुदाई हो रहा था उतना तक पहुँच गया, अभी इसको थोड़ा वॉश कर रहा है। वॉश करने के बाद फिर ड्रिलिंग चालू करेगा। और ये ड्रिलिंग चालू करने के टाइम में बहुत ही आवाज़ देता है। अभी देखिए अभी उन लोग ये कंप्रेसर जो डीजी मशीन है, जेनरेटर मशीन है, वो भी चालू कर रहा है। चालू करके इधर कंप्रेसर फिटिंग है, कंप्रेसर का थ्रू उन लोग ये जो लोहा का पाइप जुड़ाई किया उसी से उन लोग एयर पास कर रहा है। और ऐसे ही उन लोग अभी पूरा काम कर रहा है। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम का ज़रूरत पड़ता है, एक एक 15 फीट का पाइप घुसाने के लिए कम से कम एक घंटा का ऊपर लग जाता है। और देखिए ये ड्रिलिंग करने के टाइम ऐसा पूरा धुआं निकलता है, ये डस्ट है और ये भी पत्थर का डस्ट है, और इसका सामने रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं दूर से दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। और देखिए इतना डस्ट उड़ रहा है, ये पूरा पत्थर का धूल है। और ऐसे ही जब ड्रिलिंग करता है ऐसा होता है। उसके बाद उन लोग कम से कम 10-12 घंटा ड्रिलिंग किया, उसके बाद देखिए अभी पानी निकल गया, मतलब उन लोग का ड्रिलिंग का काम पूरा हो गया। प्राय 2000 फीट तक उन लोग खुदाई किया, अभी देखिए पानी निकालना चालू किया। और उसके बाद उन लोग अभी जैसे कि उन लोग का ड्रिलिंग का काम हो गया, उसके बाद वो पाइप जैसे उन लोग गाड़ी से ले रहा था हाइड्रोलिक सिस्टम से, वही सिस्टम से उन लोग पाइप को भी खोल के अनलोड कर रहा है। इसे भी देखिए ये पूरा काम मशीन का थ्रू हो रहा है, उसमें ज़्यादा मेहनत का काम नहीं लगता लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। और इसमें एक एक बोरिंग करने के लिए कम से कम 1.5-2 लाख रुपया खर्चा होता है, ज़्यादा कॉस्टली है।
तो पाठोरी इलाका में जैसे कि पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ज़्यादा खर्चा करके पानी निकालना पड़ता है। तो उन लोग सुबह कम से कम 7 बजे से चालू किया है और 1000 फीट ड्रिलिंग करने के लिए उन लोग को कम से कम 24 आवर्स लग गया। अभी शाम को टाइम हो गया, अभी कम से कम उन लोग को 12 घंटा टाइम में उन लोग और 1000 फुट ड्रिलिंग किया। ड्रिलिंग करने के बाद ऐसे ही पूरा बोरिंग प्रोसेस ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, आज का वीडियो में मैं ऐसे ही पाठोरी इलाका में कैसे ड्रिलिंग किया जाता है वो आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश किया। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसा नया नया वीडियो आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करेगा। और टेक्निकल लाइन का जितना भी वीडियो है, मैं जितना देख रहा हूँ अपना नॉलेज से जो हो रहा है वो आप लोग को दिखाने के लिए मैं कोशिश करेगा वीडियो बना के। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। जय हिंद।